कि अब आ गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खुद से वादा करके अब आ गया। जो तेरे आंगन में गाए जैसे चिड़िया, कुदरत का वरदान है ऐसी एक बिटिया। जो तेरे आंगन में गाए जैसे चिड़िया, कुदरत का वरदान है ऐसी एक बिटिया। एक कोख से एक कोख का जन्म हो जाने दे, इस तरह दुनिया को तू खुश भी रहने दे। उसके संग तुम भी खुल के गुनगुनाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खुद से वादा करके अब आ गया। जाने क्यों सुलग रही है सैकड़ों चिंगारियां, किस लिए चलती है बेटी पे आरियां। वो भी जीत सकती है सारी बाजियां, कमजोर नहीं होती है हमारी बेटियां। तुम ये बात समझो और सबको समझाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खुद से वादा करके अब आ गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खुद से वादा करके अब। नमस्कार, मैं रश्मि भट्ट, ARTO टनकपुर। आज के टाइम में लड़का हो या लड़की, अगर समान अवसर दें तो दोनों ही जो है सक्षम है और दोनों ही अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। इसीलिए बेटा और बेटी, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी भट्ट है और मैं चंपावत जिले में श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मुझे यही कहना है कि दोनों ही समाज के लिए समान भूमिका निभाते हैं। उनके व्यक्तित्व में अगर समान रूप से निखार के लिए हम प्रयास करें तो दोनों ही हमारे देश के लिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, हर तरफ से हमारे लिए बहुत सफल योगदान होगा दोनों का ही। धन्यवाद। मेरा नाम किरण लता जोशी है, मैं प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी चंपावत के पद पर कार्यरत हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी परियोजना में बालिका जन्मोत्सव, गोद भराई, अन्नप्राशन और महिला चौपाल वगैरह की जा रही हैं। मेरा मानना है कि आज के समय में बेटी को बचाना और पढ़ाना अति आवश्यक। मेरा नाम मीनाक्षी नोटियाल है, मैं उत्तराखंड पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा मानना यह है कि आज के समय पर बेटी के पैदा होने पर निराशा या दुख व्यक्त करना, इसका कोई भी आधार नहीं है। इस समय में जहाँ बेटी साइंटिस्ट, डॉक्टर, पुलिस, फौज और हर फील्ड में और हर जगह लगभग आगे है, इसलिए जब भी आपके घर में बेटी हो तो सोचिए हमारे घर में लक्ष्मी आई है और आपके घर का सर्वांगीण विकास होने वाला है। मेरा नाम मीनूपन त्रिपाठी है और मैं यहाँ पर काउंसलर के रूप में काम करती हूँ। जो भी हमारे पास काउंसलिंग आती है यहाँ पर, को जो पीड़िता आती है तो वो अपनी दिक्कतें रखती है कि मुझे सास से परेशानी है या पति से परेशानी है, और कोशिश करते हैं कैसे मदद करके उसको सॉर्ट आउट करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए स्कूलों में भी हमारे द्वारा जो है कार्यक्रम किए गए। हम लोगों को ऐसा लगता है कि अभी समाज में जो है बराबरी की बात हो रही है बेटी और बेटे की। मेरा नाम शिल्पी नबियाल है, मैं निर्भया प्रकोष्ठ प्लस OSC सेंटर में लीगल एडवाइजर के रूप में काम करती हूँ। इसमें हमारे पास कोई पीड़िता आती है तो पहले उनकी काउंसलिंग की जाती है।
जाती है। काउंसलिंग के बीच में जो वाद विवाद निकलता है उसके लिए लीगली कार्यवाही पत्राचार वगैरह के माध्यम से काउंसलिंग कराई जाती है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत मेरा इतना सा कहना है, बेटियों को पढ़ाना इसीलिए भी जरूरी है, बेटियों से समाज बनता है। मेरा नाम पुष्पा चौधरी है, मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नोडल हूँ। बेसिकली हम लोग समुदाय में यह परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा और बेटी एक समान होते हैं। जब भी आपके घर में बच्चे का जन्म होता है तो आप एक जैसे जैसे आप बेटे का स्वागत करते हैं वैसे बेटी का भी करिए। और हम इसके अपने योजना के तहत हम लोग बालिका जन्मोत्सव, बालिका अन्नप्राशन और बहुत सारे कार्यक्रम, अवेयरनेस कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि हमारे समुदाय की सोच में परिवर्तन ला सकें हम। मेरा ये मानना है कि जैसे ही हम इस सोच में परिवर्तन ला सकेंगे तो आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छा हमारा परिवेश बनेगा और जहाँ लड़का और लड़की में बिल्कुल अंतर नहीं होगा, वो बच्चों को सिर्फ बच्चा माना जाएगा। मेरा नाम PS बुजवाल है, मैं जिला कार्यक्रम अधिकारी हूँ। हम जनपद चंपावत में बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए और उनके शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इस क्रम में हम योजना के तहत जनपद में बहुत सारे इनोवेशन और आउटरीच के कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि लोगों में जन जागरूकता पैदा की जा सके और हमें उम्मीद है कि हम धीरे धीरे लिंगानुपात में सुधार लाने में सफल होंगे।